हम प्रभु श्री राम जी को युग पुरुष मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि प्रभु श्री राम जी ये भगवान थे, तो भाई चमत्कार करके रावण को पराजित क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु श्री राम जी युग पुरुष थे, वे आप में और हम में ईश्वर जागृत करना चाहते थे, उन्होंने डायवर्सिटी को एक्नॉलेज किया। और फिर व्यक्ति हो या वानर हो या प्राणी हो, समाज के हर प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने ये बताया कि असुरी शक्ति कितनी भी ताकतवर हो, उसको पराजित करने की शक्ति, ताकत और हिम्मत तुम में है। और ऐसे छोटे छोटे लोगों को लेकर सेतु तैयार किया, लंका पर वार किया और रावण को पराजित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है, उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो किसी का तिरस्कार नहीं करते। तू ये जात का है, तू समाज के इस तबके का है, तू इस धर्म का है, या तू पैसे वाला है या गरीब है, ये तिरस्कार नहीं होता है। जो जैसा है उसको लेकर प्रेरित करके हम उसको जब नेतृत्व देते हैं, एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को प्रेरणा देना, ये लीडरशिप की सबसे छोटी डेफिनेशन है। जो लोगों को प्रेरित कर सकता है वो लीडर है।